हाई स्कूल इडर। सर प्रताप हाई स्कूल को सन 1890 में स्थापित किया गया था। इसका निर्माण इडर के महाराजा लेफ्टिनेंट कर्नल सर दौलत सिंह जी बहादुर के शासनकाल के दौरान सन 1928 में किया गया था। इसका नाम प्रतिष्ठान के समय मैकनाटन हाई स्कूल था, जिसे सन 1928 में सर प्रताप हाई स्कूल में बदल दिया गया था। यह संस्था कर्म ही पूजा है के आदर्श वाक्य के तहत काम करती है। सुप्रसिद्ध गुजराती लेखक पन्नालाल पटेल और जाने माने कवि और लेखक उमाशंकर जोशी, दोनों ज्ञानपीठ पुरस्कार और रणजीतराम स्वर्ण पदक विजेता, भी इस संस्थान के पूर्व छात्र रहे हैं। हाल ही सन 2014 में इसका सवा शताब्दी महोत्सव मनाया गया है। इडर महल या दौलत विलास महल शहर के अंत में और पहाड़ी के तुरंत नीचे राजमहल है। बिना किसी प्रस्तुति के एक विशाल इमारत। कहा जाता है कि महल 20वीं सदी की शुरुआत में महाराजा दौलत सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। महल के पीछे पहाड़ियों की श्रृंखला है जो विंध्य और अरावली पर्वत में शामिल होकर इडरगढ़ का निर्माण करती है, जो चट्टानों से बना हुआ और इतना मजबूत है कि स्थानीय कहानियों के मुताबिक इडरगढ़ को जीत पाना असंभव है। इसलिए यह प्रसिद्ध लोकगीत पारंपरिक विवाहों में ज्यादातर गाया जाता था कि हमें डरियो गढ़ जीता रे आनंद भयो, हमें डरियो गढ़ जीता रे आनंद भयो, हमें लाखिनी कन्या जीता रे आनंद भयो, हमें लाखिनी कन्या जीता रे आनंद भयो, हमें डरियो गढ़ जीता रे आनंद भयो, हमें डरियो गढ़ जीता रे। रनमल चौकी, ऐसा लगता है कि यह एक अधूरा जैन मंदिर है जिसकी इमारत सपाट और समतल पत्थर की छत पर रखी गई थी। इसका नाम राव रनमल के नाम पर रखा गया है, जो बहुत बहादुर और निडर थे। ऐसा माना जाता है कि उनके पास 12 कदावर आदमी हुआ करते थे जो किले की रक्षा करते थे और उन्हें रनमल कहा जाता था। उनकी याद में इसे रनमल की चौकी या पहरेदारों का कक्ष और कमरा के रूप में नामांकित किया गया है। रानी का महल, यह महल ज्यादातर अपने स्थान और गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। नाम के पीछे की कहानी यह है कि जब अकबर द्वारा इडर से प्रेरित राव नारायण जी ने पोलो के जंगलों में शरण ली, उनकी पीठ पर एक भयानक नासूर होने के बावजूद उन्होंने मुगलों को परेशान करना जारी रखा। एक दिन जब वे कपड़े पहन रहे थे तब रानी कमरे में आई और उनकी पीठ देखकर डर गई। उन्होंने कहा, जो कुछ मैंने देखा है उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आप अपना खोया सिंहासन वापस ले पाएंगे। इस बात से नाराज होकर महाराज ने घर छोड़ दिया और बाद में जब उन्होंने इडर को वापस पा लिया
तो उन्होंने रानी के चेहरे को देखने से इनकार कर दिया। इस व्यवहार से द्रोणित होकर अपने पति के महल में रहने से इनकार करके रानी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर जा बसी और वहीं पर उन्होंने अपना बाकी जीवन व्यतीत किया। कुछ सदियों बाद यह महल क्रूर हत्याओं का स्थल था।